तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ठीक हूँ, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और ये है पपीता जो आप सब देख सकते हैं, हमने कट किया है इसमें से। इसको क्या बोलते हैं आप सब दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं पपीता की सब्जी, जिसको छील रहे। तो दोस्तों आप सब बने रहिए वीडियो में, पहले इसको छील लेते हैं अच्छे से, फिर इसको उबाल के फिर इसको बनेगा तो आपको दिखाएंगे। और दोस्तों इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपकी खुशी दोस्त अच्छी लगती है बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों, ताकि हमसे रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक तो जाए। और जितने भी दोस्तों वीडियो देख रहे हैं सभी दोस्तों को मेरे चैनल मिस्टर बिट्टू डॉट खुशी फैन में आप सभी दोस्तों को दिल से वेलकम टू स्वागत है। तो बने रहिए, पहले हम इसको छीन लेते हैं दोस्तों, तो तब तक आप सब बने रहिए। तो देख सकते हो दोस्तों कट कर लिए है, अब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट करेंगे। पहले छीन लिए है और इसका बीच का भी थोड़ा थोड़ा हिस्सा था वो निकाल दिए है, देख सकते छील उल के सब। अब इसको छोटे छोटे कट करेंगे और उसके बाद दोस्तों अभी देखिए हम वीडियो कॉल में हम बात करें अपने बहन से और पापा जी से और इधर काम भी करें दोस्तों, तो बने रहिए आप सब। तो देख सकते हैं दोस्तों हमने इतना छोटा छोटा टुकड़ों में कट कर लिए हैं, अब इसको उबाला जाएगा तो हम आप सबको दिखाएंगे। कि फिलहाल में इतना देर से हम कट कर रहे हैं, मेरे पैर में लग रहा है ना, पैर दुखने लगा, इतना मेहनत करना है इसमें। और देख लीजिए तो बाबू रो रहा है, आ जा। हाँ पता नहीं दोस्तों अभी बहुत डरा, में बाज हो गया है। तो दोस्तों इसमें पानी डाल के उबाला जाएगा, और तो इसमें हम पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद हम आँच मारेंगे ताकि इसको उबाल सके। तो वैसे हम इसमें पानी देख सकते हैं, पानी डाले हैं और इस ये पूरे डूबे जाए इतना। इसे देखिए मेरी सासू माँ देख रही है कि हाँ कितना डालना होगा। इसमें से थोड़ा सा इसे निकाले, कच्चे नमक से भी खा सकते हैं पपीता को। तो वैसे अभी देखिए इसमें आँच उछवार दिए और उबलने के लिए रख दिए दोस्तों, और ये उबल जाएगा तो फिर आपको दिखाएंगे दोस्तों। फिलहाल के लिए इसको उबालेंगे। और देखिए इधर मेरी सास भी बैठी है, सास अति कर रही है। तो पहले ही अच्छे से उबल जाएगा तो आपको दिखाते हैं दोस्तों। तो इसको 10 मिनट के लिए पहले उबाल लेंगे। तो देख लीजिए दोस्तों ये कुछ इस तरह दिख रहा है उबलने के बाद, और ये हो चुका है दोस्तों। नीचे उतार कर दिखाते हैं कि कैसा दिख रहा है। तो देख सकते हैं कितना मतलब वो दिख रहा है। अब इसको हम एक अच्छे बर्तन में निकाल लेंगे सबको, देख सकते हैं इसको हम इस हाथ से देखेंगे। देखिए एकदम से हो चुका है, एकदम सॉफ्ट, देखिए एकदम से सब हो गया। तो अब हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, कढ़ाई को रख देंगे। अब इसमें हम सारा पानी को देखिए निकाल के और एक अच्छे बर्तन में रख लिए हैं। और उसके बाद दोस्तों हम इसको क्या करेंगे, अब इसको सब्जी बनाएंगे। तो वैसे तो ये उबला गया है और देख ही सकते कितना सुंदर दिख रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको धुल के लाते हैं, फिर अभी इसका सब्जी बनाएंगे दोस्तों। तो इसमें देखिए हरा मिर्चा, तेज़पत्ता, जीरा डाल के और हम उसको फ्राई करेंगे, जो कि देख सकते हैं सब डाले हुए हैं। और अभी हम क्या करते हैं, इसका फ्राई करेंगे। तो पहले ये पक जाएगा मिर्चा और ये, तो इसका फ्राई करेंगे। उसके बाद में दोस्तों हम इसको डाल देंगे प्याज। तो दोस्तों अभी प्याज फ्राई होंगे, तो जो कि दोस्तों प्याज फ्राई होने के बाद अभी हम डालेंगे इसमें पपीता। तो पहले प्याज को फ्राई कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं प्याज को पका रहे हैं, ये फ्राई हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों हम रखेंगे पपीता को। तो पहले अभी अच्छे से प्याज को निचोड़ के पहले अच्छे से पका लेते हैं, उसके बाद में दोस्तों हम डालेंगे इसमें पपीता। तो अभी हम इसको डालेंगे उसमें। तो पहले अच्छे से देखिए अब इसको डाल देंगे, इसको डालाया जाएगा। उसके बाद डालने के बाद दोस्तों हमें आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरी सासू माँ बोली है बनाने के लिए। तो मेरी सासू माँ भी है, पहले बार बनाएगी तो हमें दिखा देंगी, तो उसके बाद अगले बार से हम खुद बना लेंगे। तो देख ही सकते हैं दोस्तों इसको, इसमें भूजा जा रहा है पपीता को भी,
और देख ही सकते हैं दोस्तों किस तरह दिख रहा है, और वैसे तो अच्छे ही दिख रहा है। तो दोस्तों अब भूज रहे अच्छे से चला दे रहे, और उसके बाद इसको क्या किया जाएगा, ढक दिया जाएगा, देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये हल्दी पाउडर, और पहले नमक डाला, अब हल्दी डाला रहा है, इसके बाद मिर्चा पाउडर, धनिया पाउडर, ये हल्दी पाउडर डाला गया, अभी मिर्चा पाउडर, उसके बाद दोस्तों धनिया पाउडर, अभी दोस्तों ये गरम मसाला, गुलटी मसाला, और डलाएगा गरम मसाला, ये गरम मसाला दोस्तों। अब इसको अच्छे से मसाले को पकाया जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं सब्जी कुछ इस तरह दिख रहा है। अभी मसाला पक रहा है, तभी थोड़ा सा और पकेगा, तब तक के लिए ढक दे रहे, तब तक इधर चावल रख दे रहे दोस्तों, ताकि ठंडा जाएगा जो भी खाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं इधर पे अब सब्जी कुछ इस तरह दिख रहा है दोस्तों, और देखिए दादी माँ भी चला रही है। दोस्तों हम पहली बार बना रहे पपीता का सब्जी, नहीं इसलिए मुझे आइडिया नहीं था, आप सबको तो बतेवे किए हैं। तो अभी अभी देखो मेरे सिस्टर का पैर फूल गया है ठंडी के मारे, और मेरा भी देख लीजिए, मेरा भी पूरे पैर सूज गया है, मेरी सिस्टर का भी। और इधर चावल ठंडाने के लिए रख दिए है, और सब्जी हो गया, तो दादी माँ छलनी से इस तरह चला रहे, वैसे भी तो ये उबला हुआ है दोस्तों, तुम बस मसाला पक जाएगा तो समझिए हो गया है। तो अभी ये कुछ इस तरह दिख रहा है, देख लीजिए दोस्तों, अब पानी सूख गया अच्छे से। अब इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको ना हम अभी थोड़ी देर और पकेगा, उसके बाद हम इसको उतार देंगे, देख सकते हैं दोस्तों ये पकने के बाद। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं इस तरह दिख रहा है, और इसका मसाला अच्छे से पक रहा है अभी। और उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका जो थोड़ी बोरी पानी है वो सूख जाए अच्छे से, अभी वो समझिए दोस्तों हो ही गया है, तभी हम इसको उतार देते हैं, देख लीजिए, और उतार के हम आपको दिखाते हैं, देखिए दोस्तों किस तरह दिख रहा है। और दोस्तों हम चावल रखे दादी माँ को खाने के लिए, ठंडाने के लिए, और उसमें हम थोड़ा सा सब्जी रख देंगे, अभी रात का टाइम है तो चल जाए, देखिए दोस्तों इस तरह दिख रहा है, और चावल इधर ठंडाने के लिए रखे हैं। अब ये मत सोचिएगा इतना दूर में, क्योंकि गर्म चावल था ना, तो इतना हमने ऐसे करके रखे ताकि जल्दी ठंडा हो जाएगा। और देखिए सब्जी रख दिए, और देखिए कितना टेस्टी दिख रहा है दोस्तों, और इधर दादी माँ को दिए खाने के लिए, अब हम ढक देंगे। बताना दोस्तों आप सबको ये पपीता का सब्जी किस तरह लगा। दोस्तों अगर अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, धन्यवाद दोस्तों।